गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद खान फतेहपुर से और पिछले 3 महीने से कैंगन में हूं। साथियों, सभी ने अच्छी लर्निंग पे शेयर की ग्रुप में, मैंने देखा, अभी दोपहर में भी देखा था। मैं दिन भर थोड़ा बिजी था फील्ड में, कुछ डेमोसेशन ज़्यादा थे तो इसलिए थोड़ा पजल था दिन भर, इसलिए माफ़ी चाहूँगा ख़ास तौर से संदीप सर से कि मेरी लर्निंग सबसे आखिर में माने या सबसे लेट माने, मैं शेयर कर रहा हूँ। साथियों, संदीप सर हमारा सुबह का सेशन 6 से 7 बहुत शानदार चलाते हैं। पहले मैं भी नहीं उठता था, मुझे भी उठना सिखा दिया उन्होंने। मैं 20 साल से सेल्स में हूँ, बावजूद इसके मैं कहता हूँ कि संदीप सर का सेशन जो चलता है वाकई में हार्ड ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं एकदम हार्ड ट्रेनिंग, जो हर किसी के बस में नहीं होता सुनना, समझना और उसे धरातल पर लागू करना। बच्चों का खेल नहीं है, संदीप सर की ट्रेनिंग को सुनना, समझना और उसे धरातल पर लागू करना। यहाँ वही लोग आएंगे जिनके सपने बड़े होंगे जिनकी उड़ान बड़ी होगी। बहुत शानदार सेशन होता है। मुझे क्या सीखने को मिला वो मेरी लर्निंग में शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। साथियों, इस ट्रेनिंग सेशन से एक लाइन याद आती है, अगर आपके पास मनोशक्ति है तो दुनिया की कोई भी विकलांगताएं, अगर आपके पास मनोशक्ति है तो आपकी विकलांगताएं मायने नहीं रखती है। अगर आपके पास मनोशक्ति है तो आपकी विकलांगताएं आपके टारगेट में, आपके लक्ष्य में बाधा बन ही नहीं सकती। उसके बाद मुसीबतों का रोना वो लोग रोते हैं जिन्हें अपने आप पर असफल होने का भय बार बार सताता है। उसके बाद साथियों, मन की कायरता सोच को हदों में बांध देती है। आपकी मन की कायरता आपकी सोच को हदों में बांध देती है। इसके हटते ही सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो साथियों, मैं आबिद खान फतेहपुर से और मुझे करीब करीब सभी जानते भी होंगे। संदीप सर की 30 डेज सक्सेस चैलेंज का मैं भी एक हिस्सा हूँ। रोज सुबह 6 से 7 मैं भी आता हूँ उसमें। मैंने क्या सीखा इसमें, 3 से 4 चीजें सीखने की थी। पहली चीज कि कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होगा, अनकंफर्टेबल जोन में रहना होगा, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। हम जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही ज्यादा हम मुसीबतों से गिरते जाएंगे और मुसीबतों को समय रहते हमने अनकंफर्ट जोन में अपने आप को डाल के मुसीबतों को नहीं हराया तो मुसीबतें एक एक करके एक दिन विकराल रूप ले लेगी और हम हताश हो जाएंगे। इसलिए समय रहते मुसीबतों को हराने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, अनकंफर्ट जोन में चले जाइए और मुसीबतों को 1 by 1 करके उन्हें हरा दीजिए, मुसीबतों को, समस्या को। दूसरा आया कि किसी भी काम को करें तो उससे आपके पास जो समस्याएं आती है, कोई भी समस्या आती है उसको समस्या न माने, उसे चुनौती माने, चैलेंज माने। 30 डेज सक्सेस चैलेंज नाम ये है, उसको चैलेंज माने। अगर आप चैलेंज मानेंगे तो आपके अंदर एक जागृति सी पैदा होगी, एनर्जी फील होगी और एक आपके अंदर मतलब एक वो आएगा, जुनून आएगा। कहते हैं ना, गर्मी ना ऊन में होती है ना जून में जुनून में होती है, जुनून आएगा। चैलेंज जब आपके सामने होगा कि मुझे ये चैलेंज स्वीकार कर लिया, मैंने इसको पूरा करना है, हराना है, तो आप उस चैलेंज के प्रति समर्पित भाव से लग जाएंगे। जब समर्पित भाव से लगेंगे तो जीत तय है, जीत निश्चित है। उसके बाद दूसरा, लर्न डू टीच, सीखिए और पहले सीखिए, उसके बाद खुद कीजिए, उसके बाद अपनी टीम के साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ शेयर कीजिए। तीसरा, हमें दर्शक नहीं बनना है, हमें ग्राउंड में जो दर्शक होते हैं उनकी तरह दर्शक बन के मैच को नहीं देखना है, हमें प्लेयर बनना है, हमें सचिन तेंदुलकर, हमें सहवाग बनना है, हमें रियल प्लेयर बनना है और प्लेयर बनकर जहां प्लेयर की भूमिका होती है वो निभानी है और हमें इस सफलता रूपी मिशन को जमकर खेलना है। परिस्थितियों का रोना वो लोग रोते हैं जो कायर होते हैं। अगर हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज मान लिया तो हम एक दिन निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। इसी तरह से काफ़ी रोज़ नए लर्निंग मिलती है सर के सेशन में और सर थैंक गॉड, थैंक यू आपके लिए संदीप सर स्पेशली कि आपने मुझे भी सुबह 6 से 7 बजे इस 30 डेज सक्सेस चैलेंज का हिस्सा बना लिया और मैं थैंक गॉड कहूँगा कि आपने मुझे आप मिले और आपके मिलने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, खास तौर से दिनचर्या में बदलाव आए हैं और 20 साल के सेल्स के अनुभव होने के साथ भी मैं ये कहता हूँ
बावजूद इसके मैं ये कहता हूँ कि आपका 30 डेज सक्सेस चैलेंज रियल में सुपर है। आज ही अपनी टीम से जुड़े और सभी को जोड़े और सर के इस चैलेंज में 30 डेज सक्सेस चैलेंज में सुबह 6 से 7 बजे का अपनी टीम को हिस्सा बनाएं। साथियों रियल में आपने अपनी टीम को हिस्सा बना दिया तो बहुत कुछ पा जाओगे, आप बहुत कुछ पा जाओगे, इतना कुछ पा जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 30 डेज सक्सेस चैलेंज का हिस्सा बने, अपनी टीम को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, संदीप सर के मोबाइल पर कॉन्टैक्ट करके इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप भी लर्न टू टीच इस फॉर्मूले को आप भी दोहराएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।